हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है स्वाभिमान। बच्चा निरंतर रोता रहा, इस कदर कि रोते रोते उसका गला खुश्क हो गया। उसकी आवाज गले में अटक सी गई। बार बार उस मासूम बच्चे के रोने की आवाज ने मेरे मन में अनगिनत एहसास जगाए, जो मुझे अपने माजी के कैदखाने में फिर से घसीट कर लेकर जाते रहे। कानों में रोने की आवाज कुछ ऐसे उतरी कि मैंने अंतर्मन में तूफानों सा तहलका तांडव करने लगा। एक ज्वाला सी मन में उत्पन्न हुई उन बेजवाबदार माँ बाप के लिए, जो उस बच्चे को इस तरह ठंडी घास पर लिटाकर खुद न जाने कहाँ गुम हो गए। इतना भी ख्याल न रहा कि सूरज ढलने को आया है और रात का अंधेरा चारों ओर हावी हो रहा है। बच्चे की ओर से इतने गैर जिम्मेदार लापरवाह की बस हद हो गई है। मैं बच्चे के क्रंदन से मन से जुड़ी रही। सर्दियों के कारण शाम का दुधलका भी गहरा होता रहा। बाग में बैठे छोटे बड़े एक एक करके उठते हुए अपने अपने ठिकानों की ओर रवाना होते रहे। मैं भी उठने का विचार कर ही रही थी कि बच्चे की रोने की आवाज ने एक बार फिर से मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। मैं बेंच से उठकर खड़ी हो गई, जहाँ पिछले दो घंटे से अपने माजी के नए पुराने रिश्तों के बेजोड़ जोड़ में उलझी रही। फिर से बच्चे की रुलाई ने मुझे उन ख्यालों की जंजीरों से मुक्त किया। उठकर चारों ओर देखा, फिर उस ओर कदम बढ़ाए जहां से आवाज आ रही थी। कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ के नीचे चादर पर 4-5 महीने का बच्चा रोता बिलखता दिखाई दिया। ठंड के कारण जोर जोर से रोते रोते वह क्लांत हुआ जा रहा था। कभी वह अपने हाथ पांव मारकर खुद की असहाय अव्यवस्था का इजहार करता, तो कभी मुंह में अपना अंगूठा डालकर निद्रा की गोद में विश्राम पाने का प्रयास करता। आगे जाकर देखा, बच्चा अच्छा खासा खूबसूरत था। भरा हुआ बदन, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पैरों में सुंदर ऊन के मोजे, हाथों में चांदी के सफेद और काले मोतियों के कड़े, आंखों में पड़ा काजल रोने की वजह से आंसुओं के साथ उसके गुलाबी गालों पर कालापन पोत गया था। रोते रोते उस बच्चे की आंख लग गई थी। मैंने चारों ओर निहारा। बाग काफी वीराना हो चुका था। बस कुछ नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ वहाँ बेमकसद घूम रहे थे, पर किसी का भी ध्यान बच्चे की आवाज की ओर न गया था। मैंने तुरंत अपने कंधों पर पड़ी साल बच्चे के बदन पर डाल दी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह निर्णय लेने के भी कसमकस अभी भी जारी थी। ऐसी ही इंतहाई कसमकस के दौर में पहले भी गुजरी हूँ मैं। 10 साल पहले ऐसी ही एक उलझी डगर पर मेरी जिंदगी आकर ठहरी थी। उस कसमकस के दौर में मुझे एक फैसला लेना पड़ा, घर छोड़ने का कठोर फैसला। कारण तब भी बच्चा ही था। मेरी शादी 19 की उम्र में हुई। 13 सदस्यों के स्वस्थ संपन्न परिवार में मेरा पति घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरे जेठ के 3 बच्चे, मझले देवर के 2 बच्चे, सास ससुर, मैं और मेरा पति अर्पित। शादी के बाद मेरा नाम मधुलिका से बदलकर मधु रखा गया। मधु एक कप चाय तो दे देना, आवाज मेरे बड़े जेठ की होती। और बहू अपने ससुर को भीगा हुआ दातून तो दे आना, यह आवाज सास के दुलार भरे आदेश की होती। और सुनो, उनकी पतलून में नाड़ा भी डाल देना। जी माँ जी, जब फुर्सत मिले तो मेरी चिलम भर देना बहू। काम में इजाफा करते बड़ी सास जोर से आवाज देकर कहती। प्यार में बधी उनके आवाजों के पीछे भागते दौड़ते दौड़ते कैसे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। सभी को खुश रखने की चाहत जैसे एक जुनून बन गई। माँ ने भी तो विदाई के समय यही कहा था, सबको अपना समझकर उनका मान सम्मान करना, सेवा करके खुश रखना। उनकी छोटी छोटी सेवाओं से उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करना। एक तो बाली उम्र, दूसरा माँ के दिए हुए संस्कारों की मर्यादा और तीसरा बड़ों का आदर सम्मान व सेवा करने की इच्छा। मुझसे यह सब कुछ कराती रही। उनकी खुशी की खातिर खुद को भुलाने में बड़ा सुख मिलता। माँ ने यह भी कहा था कि उनकी खुशी में खुश रहने का वरदान क्या होता है, यह तुम तब समझोगी जब तुम खुद अपने बच्चों की माँ बन जाओगी। बार बार कहे गए माँ के शब्द
कोमल हृदय पर अंकित से हो गए और सच भी लगने लगा, क्योंकि घर के सभी सदस्य मुझ पर कुर्बान जाते थे। एक तो उन्हें सुंदर से यानी समझदार बहू मिलने की खुशी, दूसरा सबकी हाँ में हाँ मिलाने का मेरा हुनर उन्हें बहुत रास आया। मैंने माँ की जो बात गांठ बांध कर रखी थी वह कारगर हुई। रात को सब सदस्य खाना खाने के बाद दिन भर का समाचार आपस में बांटते, सलाह मशवरा करके अपने अपने कमरों में जाते। बहुए बारी बारी से सास के कमरे में जाकर उसके पैर दबाती। मैं परिवार की छोटी बहू होने के नाते कभी कभी बड़ी जेठानी के पांव भी दबा दिया करती थी। अर्पित का स्वभाव हंसमुख था। संयुक्त परिवार होने के कारण घर में हमेशा शोरगुल रहा करता था, पर एकांत का लुप्त लेने के लिए कभी वह मुझे बाग में तो कभी पिक्चर ले जाता। मैं खुश, बहुत खुश थी। अपनी माँ के घर मैं अकेली संतान थी। कोई न बात करने वाला, न खेलने वाला, न बांटने वाला था। बड़े संयुक्त परिवार में रहते लगा कि दो या तीन बच्चे होने जरूरी हैं। अगर बेटी हो और उसकी शादी हो जाए तो बेटा साथ हो। रिश्तों का बड़ा बीहड़ न सही, एक छोटी सी बगिया तो हो जहाँ बहन के बच्चों का कोई मामा हो या भाई के बच्चों की कोई बुआ हो। एक बच्चे से तो रिश्तों में बरकत आने से रही। यह मेरी अपनी सोच थी जो यहाँ और वहाँ के बीच की तुलनात्मक परिस्थिति से उत्पन्न हुई थी। लेकिन जीवन में हर किसी का सोचा हुआ कहाँ साकार होता है। हंसते मुस्कुराते 6 साल गुजर गए। 24 साल पूरे करके 25वें साल में पांव धरा, पर अब भी पांव भारी न हुआ। सबकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। सुखद समाचार की आशा से मेरी ओर निहारा करते, मेरी चाल पर नजर रखते। उनकी नजरें दिन तमाम मेरा पीछा करती। मुझे भी उनकी आंखों की भाषा पढ़नी आ गई। सच तो यह है कि मैं भी खुद माँ बनना चाहती थी। औलाद का सुख क्या होता है उसका लुप्त लेना चाहती थी। अपनी ममता को अपने बच्चों पर निछावर करना चाहती थी। मेरी सभी चाहते मन में धरी की धरी रह गई। समय बीतने के साथ साथ रिश्तों की वह गर्मजोशी, वह स्नेह दुलार आवाज में अपनापन न जाने कहां गायब होता गया और एक अजनबीपन का एहसास मन में घर करने लगा। अर्पित भी मुझसे कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा। मैं जैसे घर की कोई बेकार चीज बनती जा रही थी जिसके वजूद का कोई मूल्य ही न था। हर सदस्य अपना काम भी खुद करता, मुझे आवाज देने की जैसी किसी को जरूरत ही न रही। कभी सोचती कि इस बदलाव का कारण क्या हो सकता है, क्या मेरी सेवा में कोई कमी आ गई है या कोई भूल चूक हो गई है मुझसे। सब सोचों के भयावन में फंस कर रह गई। एक दिन दोपहर के एकांत में बड़ी भाभी के कमरे में जाकर उसकी गोद में अपना सर रख रोते हुए मैंने पूछा, भाभी आपको मेरी कसम सच सच बताना कि घर में बर्फ जैसी खामोशी क्यों छा गई है, क्यों हर कोई मुझसे किनारा करने पर तुला हुआ है। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए जो कुछ भाभी ने बताया उसे सुनकर तो मेरे होश के परिंदे भी उड़ गए। लगा जैसे जिंदगी में कोई भूचाल आ गया हो जिसमें मैं, अर्पित और घर के सभी सदस्य छिटपुट से हो गए थे। भाभी कहती रही और सुनते सुनते मैं अपने अस्तित्व की नया के बीच भंवर में डूबते देखती रही। इतना बड़ा फैसला होने जा रहा था और मेरे कानों तक भनक न पड़ी। अपने पति अर्पित पर गुस्सा आया जिसने शादी के समय कुछ वादे निभाने के लिए किए थे। क्या वे सब झूठे थे? क्या रिश्तों की डोर में बधी गांठ इतनी कच्ची है जो किसी इच्छा पूर्ति के न होने पर आसानी से खुल जाए या मन मर्जी से खोल दी जाए? बात खुलकर सामने आई। दूसरे ही दिन सास ने बुलाकर कहा, बहू अर्पित की नई पत्नी आएगी तो घर हरा भरा हो जाएगा, खानदान बढ़ेगा। आखिर अर्पित के दिल में भी बाप बनने के कुछ अरमान है। बहुत सोचकर हमने यह फैसला लिया है। हम कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। तुम घर का हिस्सा हो और रहोगी। घर की खुशी के लिए अपना सहकार देने के लिए तैयार रहो। मालिक पर भरोसा रखो, आने वाली खुशियों में शायद तुम्हारी भी खुशी लौट आए। यह सुनकर अपने वजूद के होने और न होने का फासला जाना। मैं क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ किसी को परवाह नहीं। बस एक खुशी को हासिल करने के लिए
सभी को इस तरह मेरा दिल तोड़ना लाजमी लगा। सब कुछ सुनकर मैं सुस्त चाल व गीली आंखों से अपने कमरे में आई। पलंग पर बैठी तो लगा यह कमरा अब मेरा नहीं है, न मैं इस घर का हिस्सा हूँ। अगर होती तो एक बेकार बेजान हिस्सा समझकर वे मेरी जगह किसी और को ले आने की बात न सोचते और न मेरे जज्बात को यूं कुचलते। यह तो सौदागरों का घर है, यहाँ मेरे सिवा हर किसी की इच्छा पूरी होनी चाहिए, फिर चाहे उसके लिए मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनना पड़े। औरत और मर्द के वजूद का मूल्यांकन आंका जाता है। मर्द शक्ति वाला है, उसकी तमन्ना पूरी हो उसके लिए दूसरी शादी कर सकता है, अगर उसमें से बच्चा न हो तो तीसरी शादी भी करेगा, पर औरत को अधिकार देने और लेने की डोर वह अपने हाथ में रखेगा। यह रिश्तों नातों का कैसा जंगल है जहाँ निभाने की रस्में स्वार्थ की बुनियाद पर खड़ी हैं। मेरे तन मन में जैसे आग लग गई, नफरत का एहसास मन में जागा, लगा अपनों के बीच नहीं गैरों के बीच में पनाह पाई है। एक औरत कभी भी अपनी गृहस्थी को तोड़ना नहीं चाहती जिसे वह यत्न प्रयत्न और प्रयास से खड़ा करती है, पर जब वही उसके स्वाभिमान और सम्मान के चिथड़े रोज उड़ने लगते हैं तो वह उसका त्याग करने पर मजबूर हो जाती है। जीवन प्रदान करना उसकी क्षमता है। हाँ, पुरुष प्रधान समाज में हालात से मुकाबला करना कठिन जरूर है। यही औरत अपनी बनाई दीवारों की कैदी बन जाती है, अपने भीतर के न्यायालय में स्वयं को यह निर्णय सुनाती है, कारावास का दंड भोगती है। बस उसी वक्त मन मजबूत किया, एक कठोर फैसला लिया, शादी में मिले सोने के जेवर भी नहीं लिए जो नई दुल्हन सुहागन बनकर इस घर में इस कमरे में आएगी, रहेगी, सोएगी, खानदान के वारिस को जन्म देगी, सब उसी को मुबारक हो। मेरा कुछ भी नहीं, न घर, न पति, न मान, न सम्मान, शायद बच्चा एक ठोस बुनियाद है रिश्ते कायम रखने के लिए, और इस शर्त पर मैं पूरी उतर न पाई। सूटकेस में कुछ जरूरी सामान लिया और बाहर आंगन में आई। सब बैठे थे, सास के पांव छूते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं अब यहाँ नहीं रह सकूंगी, अपने घर जा रही हूँ। ससुराल से जुड़े सभी नाते तोड़कर चौखट लांग कर बाहर आई, न अर्पित की ओर न किसी और की ओर देखा। उनसे जुड़ी आशाएं, निराशाएं, उम्मीद और एहतियात सबसे मतलब लगे। आगे बढ़ते कदमों को पीछे से आती आवाजें, मधु मधु, अरे तुम न रोक पाई। कदम आगे एक दिशाहीन राह पर चलते हुए भी पीछे नहीं लौटे। इस समय मैं घर की चहारदीवारी के हर पहरे को तोड़कर अपने ही बंदी गृह से भाग निकली। अनगिनत रेगिस्तान पार करते हुए कई वीरानों से गुजरकर एक नए क्षितिज पर जा पहुंची। मेरी सोच में बच्चे की रोने की आवाज ने फिर खलल दिया और उस दलदल से निकलकर ममता के मोह जाल में फंस जा फंसी। दिल ने कहा, मधु, औरत को सृष्टि के निर्माण की नींव होती है, ममत्व का संचार मातृत्व की उपलब्धि है, रोते बच्चों को उठा छाती से लगाओ, मातृत्व के वरदान को स्वीकार करो, पर दिमाग ऐसा करने की इजाजत न देता, दूसरे का बच्चा तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है। इस स्थिति में एक इंसानियत का पैगाम देती हुई आवाज अंदर से उठती रही, मधु मधु, इसको छोड़कर न जाओ, बिन सहारे यह जमीन पर ही बेमौत मर जाएगा जिसका कोई नहीं, इंसानियत के नाते उसकी मदद करना क्या कोई गुनाह है, तुम तो खुद इस दौर से गुजरी हो, अपनी बेगुनाही की सजा भुगत रही हो, माना होने की जो सजा तुमने खुद को दी है तुमसे बेहतर और कौन जान पाएगा, अफसोस सामने है। तुम इस मासूम बच्चे को देखा अनदेखा कैसे कर सकती हो, क्या यह वाजिब होगा, न्यायगत होगा, बाद में इंसान बनो, इंसानियत की राह मत छोड़ो मधु। मैंने नीचे झुककर बच्चे को गोद में उठाया, बाहों के बीच समेटकर उसे छाती से लगा, उसे प्यार किया, यूं महसूस हुआ जैसे वह मेरा ही बच्चा है, मेरा अपना, जो अपने परायों की परिधियों के पार रिश्ते नातों की पहचान से परे सिर्फ मेरा बच्चा था और मैं उसकी माँ। आज मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, जीवन में नारी की संपूर्णता माँ बनने में है जो मुझे मिली है। स्कूल में शिक्षिका की नौकरी करते हुए भी 15 साल गुजर गए हैं, बेहद सुकून परस्त जीवन गुजर रही हूँ। सुकून का सबब है विकास,
विकास मेरा जो आज 15 साल का हो गया है। अम्मा स्कूल की छुट्टियां मिलेंगी तो मुझे नाना नानी के पास ले चलोगी? जरूर विकास, जरूर ले चलूंगी। तुम और मैं दोनों मिलकर उनकी खूब सेवा करेंगे। अब वे बड़े बुजुर्ग हुए हैं, उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है और हमें उनकी। हाँ माँ, मुझे नाना नानी की तुम्हारी बहुत जरूरत है। बड़ा होकर मैं आप सबका सहारा बनूंगा। सच में मुझे सहारे की जरूरत थी। मेहरबान कुदरत ने मुझे विकास के रूप में वह सहारा देकर मैंने सोनी गुद को सहबादियों बख्शी। मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान मुझे सूद के साथ लौटाया है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।